ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, ग्रहों के माध्यम से ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल को ग्रहों के माध्यम से तैयार किया गया है और मार्च का महीना व्रत पर्व त्योहार के साथ साथ ग्रहों के गोचरी स्थितियों की आधार पर भी एक महीना काफी ज्यादा बेहतर है। कई ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने हो रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस राशिफल के दौरान एक ऐसी विशेष कमी के बारे में जानकारी देंगे जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है, जिसके कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कई बार जीवन में असफलता मिलती है, कार्य रुकते हैं, अपयस का सामना करना पड़ता है और करियर के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। तो वो कमी कौन सी है यह जानकारी देंगे, उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें वृश्चिक राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। उपाय के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों को दो ऐसी सकारात्मक आदतों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि वृश्चिक राशि वाले जातक जीवन में अपनाते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी आत्मशक्ति और बौद्धिक शक्ति का भी विकास जरूर होता रहेगा। तो बिना समय लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं, उसके पश्चात हम राशिफल की जानकारी आपको देते हैं। इस महीने आपके राशि के स्वामी मंगलदेव राशि से त्रिकोण तृतीय भाव में उच्च के होकर गोचर में रहने वाले हैं और यहां पर शनि और शुक्र की युति भी आपके राशि के तीसरे भाव में बनी रहेगी। केतु देव आपके लगन में पूरे महीने तक और राहु आपके राशि से सप्तम भाव में पूरे महीने तक गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। इस महीने गुरु बृहस्पति सूर्य और बुध के साथ परम शुभ अवस्था में आपके राशि के चतुर्थ भाव में गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें मां के मध्य में सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और सूर्य आपके राशि के चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम में जाएंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, परंतु माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होता रहेगा, जिसकी जानकारी समय समय पर हम वृश्चिक राशि वाले जातकों को देते रहेंगे। तो अगर करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से मार्च के महीने की जानकारी दिया जाए, राशि का दशम भाव वृश्चिक राशि वाले जातकों करियर का जिम्मेदार होता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो राशि से चतुर्थ भाव में गुरु के साथ काफी शुभ स्थितियों में मौजूद रहने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में यह महीना काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा, क्योंकि दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव लगातार बना हुआ है। तो यदि पूर्व के समय से वृश्चिक राशि वाले जातकों को अधिक मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में परिणाम न के बराबर मिल रहा था, तो यह जो महीना आपके लिए रहने वाला है मार्च के महीने में, पराक्रम भाव में आपके राशि स्वामी की स्थितियां बनी हुई है और गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए विशेष सफलतादायक यह समय रहेगा। वृश्चिक राशि के व्यवसायी जातकों के लिए व्यापार का विस्तार होने की प्रबल संभावना और व्यापार में नवीनीकरण होने की प्रबल संभावना देखने के लिए जरूर मिलेगी। वहीं 15 मार्च 2022 के उपरांत सूर्यदेव की दृष्टियां आपके राशि के द्वादश भाव पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए जातकों के लिए, विदेश में कार्य कर रहे जातकों के लिए समय काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनेगा। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से
यहां पर आपके लिए मान सम्मान भरी स्थितियां रहने वाली है। साथ साथ वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो मार्केटिंग के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में, चिकित्सा, खेलकूद, आयुर्वेद या तो सेना के क्षेत्र में कार्यरत हैं, होटल या ढाबे का संचालन करते हैं, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ आपका किसी प्रकार का कार्य है, ट्रेनिंग सेंटर में कार्य करते हैं या संचालन करते हैं, तो ये जो समय आपके लिए रहेगा ये काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। धन के मामले में अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों को मार्च की जानकारी दिया जाए, राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो राशि के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के साथ शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और राशि के धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी लगातार बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में भी जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए जरूर मिलेगी। धन का तो अत्यधिक खर्च आपके जीवन में जरूर होगा और यह धन खर्च आपके भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों की ओर ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। कारोबारी जातकों के व्यापार के माध्यम से और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में एक से अधिक माध्यम से धनागमन जीवन में जरूर होगा। बृहस्पति जो आपके राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं, वो इस समयावधि में बहुत ज्यादा शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातक यदि कोई नया काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति जीवन में होगी। पूर्व के समय से यदि किसी प्रकार का आप कार्य व्यवसाय सोच कर मन में लिए हुए हैं, उसको जीवन में आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर जरूर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का व्यर्थ रूप में व्यय करने से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मार्च के महीने में यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के परिवार का विचार किया जाता है और इस भाव पर सूर्यदेव गुरु बुध के साथ गोचर में रहने वाले हैं। राशि के द्वितीय भाव से भी यह देखा जाता है, इस भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, घर परिवार में एक दूसरे के बीच में एकजुटता का भाव देखने के लिए मिलेगा, प्रेम की भावना मजबूत होगी, सदस्यों के बीच में इस समयावधि में एकजुटता रहेगी। यदि पूर्व के समय से वृश्चिक राशि वाले जातकों के परिवार के किसी सदस्य के साथ संबंध खराब थे, धीरे धीरे वह आपके जीवन में श्रेष्ठ और सुधार पूर्वक देखने के लिए मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि समस्या बनी हुई थी वह दूर होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्यों का आयोजन होता हुआ भी जरूर नजर आएगा। इसमें किसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी यानी विवाह होने की भी संभावना बन सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो सूर्य के साथ चार राशि के चतुर्थ भाव में शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। शिक्षा वृश्चिक राशि वाले जातकों की बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी, तो देखिए मार्च का महीना शिक्षा के मामले में भी बेहतर रहेगा। इसमें यदि वृश्चिक राशि वाले जातक लगातार मेहनत करते हैं तो हर संभव कीमत पर आप जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। और शिक्षा के साथ साथ यदि वृश्चिक राशि वाले जातक किसी अन्य ऐसी क्रियाओं में जुड़े हुए हैं जहां से आपका व्यक्तिगत विकास हो, तो उसके लिए भी समय यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए, 15 मार्च 2022 के उपरांत प्रेम जीवन के मामले में वैचारिक मतभेद और नोकझोंक होने की संभावना बनेगी। उसके पूर्व तक आपका प्रेम जीवन ठीक रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है और आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो मंगल के साथ गोचर में रहने वाले हैं और राशि के सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति रहने वाली है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक दूसरे के बीच में जो परिस्थितियां बनी हुई है वो मिली जुली रहेगी। थोड़ा आपको मैनेज करके चलाना चाहिए, जीवन साथी के प्रति प्रेम का भाव जरूर रखना चाहिए। यहां पर यह कहने का मतलब है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में क्रोध के द्वारा
नहीं चलना है। दांपत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष रूप से समन्वय बनाकर जीवन में जरूर चलना चाहिए। रिश्तों में मधुरता की संभावना भी जरूर रहेगी, परंतु राशि के सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति बनी हुई है, तो यहां पर आपके लिए यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के परम शत्रु राहु देव माने जाते हैं, यहां पर आपके लिए कुछ वैचारिक मतभेद भी जरूर होता रहे। अगर सेहत के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से राशि के छठवें भाव से व्यक्ति के सेहत का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो शनि और शुक्र के साथ गोचर में मौजूद हैं। लगन पर केतु का प्रभाव बना हुआ है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में स्थितियां जो रहने वाली है काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, ज्यादा किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। छोटी मोटी यदि समस्याएं पूर्व के समय से आपको चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। अक्सर लगन में केतु होने से माइग्रेन, घबराहट और सिर दर्द की समस्या बनी रहती है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को यहां पर विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए और मानसिक रूप से अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए योग ध्यान प्राणायाम करना जरूर चाहिए। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि के जातक यदि सेहत के मामले में श्रेष्ठता चाहते हैं तो सूर्योदय से पूर्व सोकर जरूर उठें और व्यायाम जरूर करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि उपाय के बारे में जानकारी दिया जाए, उपाय से पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को हम एक ऐसी बड़ी कमी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा मिलता है, तो वो कमी कौन सी है? वो कमी है वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का होना। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हम आपको रहस्य बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों में हर व्यक्ति की यह जातक सुनते हैं और अपने हमेशा अपने मन के जीवन में करते हैं, जिसके कारण वृश्चिक राशि वाले जातक मनमौजी भी रहते हैं और आत्मविश्वास के साथ जीवन में कहीं भी कार्य करते हैं, तो जब व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार के अनुभवों को अनुसरण नहीं करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में भी इनमें समस्या जरूर मिलती रहती है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध की प्रधानता है, जिससे यदि कोई व्यक्ति इनको अच्छी सलाह दे भी रहा है उसको ये क्रोध की नजर से देखते हैं। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर यह भी पाया गया है, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस राशि में है इस कारण ये चीजें इनके अंदर मौजूद हैं, तो यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना चाहिए। यदि सही डायरेक्शन में जीवन में कार्य न किया जाए, सही दिशा निर्देश के साथ कार्य न किया जाए, तो ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में परिणाम जो होता है ना के बराबर प्राप्त होता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठता और बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों की राय जीवन में जरूर लेनी चाहिए। साथ में अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय बताया जाए, उससे पूर्व वृश्चिक राशि वाले जातकों को दो सकारात्मक बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप अपनी आदत में शुमार करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पहला है, हर व्यक्ति का जीवन में सम्मान करने की आदत डालें, और दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और बेहतरीन संभावना निर्मित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। देखिए, जब आप ध्यान करेंगे तो मन से नेगेटिविटी दूर होगी और नेगेटिविटी ही व्यक्ति की असफलता का कारण बनती है, तो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने स्वयं के उत्थान के लिए ध्यान करना चाहिए। और जब भी आप परिस्थितियों के खराब माहौल में फंस जाएं तो धार्मिक जीवन में संलग्न होना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का निरंतर अध्ययन जरूर करना चाहिए। अब धार्मिक उपाय यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बताया जाए, तो प्रतिदिन यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, सूर्योदय से 24 मिनट के उपरांत यदि आप पूजन अर्चन करते हैं तो आपके लिए समय ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में प्रतिदिन माता पिता का विशेष रूप से आशीर्वाद लेना चाहिए। मंगल की स्थितियों को सही करने के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओम अंग अंगार काय नमः नामक मंत्र का जप करना श्रेष्ठ रहेगा।
साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचना है, तो यह समय आपके लिए जरूर खास और बेहतर रहेगा। लाल वस्तुओं का जीवन में ज्यादा प्रयोग करें, लाल कपड़े आप जीवन में ज्यादा प्रयोग करें। मंगलवार के दिन यदि हनुमान मंदिर में लाल ध्वज आप लगाते हैं या हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करते हैं तो यह भी आपके लिए समय बेहतर रहेगा। मंगल की स्थितियां जन्म कुंडली पर मजबूत करने के लिए प्रतिदिन आपको कुमकुम का चंदन जरूर लगाना चाहिए, यानी लाल चंदन आपको मस्तक पर लगाना चाहिए। मंगल को मजबूत बनाए रखने के लिए हनुमान जी के ऊपर लाल पुष्प अर्पित करना भी बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ये तो हमने छोटे छोटे उपाय कुछ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बताए, जिसको यदि आप करते हैं तो जीवन में हर क्षेत्र में उत्थान के साथ साथ सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों को उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।